नमस्कार, मैं अनुष्का। धाराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयान मॉर्गन ने अपने फ्यूचर प्लान को लेकर खुलासा किया है। इंग्लैंड को 2019 विश्व कप जिताने वाले मॉर्गन लीजेंड्स लीग क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट का दूसरा सीजन सितंबर में खेला जाना है। वीरेंद्र सहवाग, ब्रेटली मुथैया मुरलीधरन, इरफान पठान जैसे पूर्व क्रिकेटर इस लीग का हिस्सा होंगे। इयान मॉर्गन ने बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। पटना SSP मानवजीत से ढिल्लो द्वारा RSS की तुलना प्रतिबंधित संगठन PFI से किए जाने के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के बाद जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी उनके समर्थन में उतर गई है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने BJP पर हमला बोलते हुए कहा कि पटना SSP को जबरदस्ती घसीटा इसलिए जा रहा है क्योंकि मानवजीत सिंह ढिल्लो दलित है। रुपया 80 के लेवल को छूने के कगार पर है तो कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी के पुराने वीडियो बाइट्स दिखाए। इन वीडियो में नरेंद्र मोदी रुपए में गिरावट के चलते UPA सरकार पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है कि पेट्रोल की तरह रुपया भी $1 के मुकाबले 100 के पार जाएगा। बिहार दारोगा बहाली के रिजल्ट को लेकर नवादा जिले के एक प्रेरणा देने वाली खबर सामने आई है। जिले के छोटे दुकानदार की दो बेटियों ने एक साथ दारोगा बनकर अपने माता पिता के साथ साथ पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है। पूरे इलाके में इस बात की चर्चा जोरों पर है। जिले के पकड़ी बड़ावा बाजार निवासी मदन साव एवं रेखा देवी की पुत्री पूजा कुमारी और प्रिया कुमारी ने दारोगा की परीक्षा में सफलता पाई। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार राष्ट्रपति चुनाव के बाद होगा, यह जानकारी CM एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कही है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अभी केवल वे दोनों ही मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलकाता में GRSE द्वारा निर्मित युद्ध पोत दूनागिरी राष्ट्र को समर्पित किया। इसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह युद्ध पोत हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति साबित होगी। भगवान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए भगवान हनुमान पूरे द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाए थे। द्रोणागिरी या दूनागिरी भी किसी भी स्थिति में अपने काम को अंजाम देने में सक्षम है। पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। मांझी की पार्टी ने बयान का बचाव करते हुए कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने वालों पर भी एक्शन होना चाहिए, तो वहीं BJP ने इस बात पर पलटवार किया है। BJP के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मांझी की पार्टी के नेता को कम्युनल इंसान बताया। उन्होंने कहा कि दानिश रिजवान की सोच इस्लाम और काफिर से आगे नहीं जा सकती। टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया। इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। यह दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के साथ साथ IPL के फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी काफी लंबे समय तक एक साथ खेले हैं। दोनों खिलाड़ियों की दोस्ती के किस्से भी काफी मशहूर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शुक्रवार को दिवंगत बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के खैरा प्रखंड स्थित पकड़ी आवास पहुंचे थे। यहां पहुंचकर सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके साथ बिताए हुए पल को याद किया। ललन सिंह ने कहा कि छात्र आंदोलन से लेकर बिहार की राजनीति में नरेंद्र बाबू का काफी योगदान रहा है। उनके असामयिक निधन से प्रदेश की राजनीति को बड़ा आघात पहुंचा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से आल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को कुछ शर्तों पर जमानत दी है, जिसमें अदालत की इजाजत के बगैर जुबैर देश नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं जमानत के लिए उन्हें 50,000 का निजी मुचलका और 50,000 की सिक्योरिटी देनी होगी। दिल्ली के अलीपुर में स्थित एक गोदाम की शुक्रवार को दीवार गिर गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 20 से 25 मजदूर गोदाम में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि अभी कई और लोगों के दबे होने की आशंका है।
मुंबई स्थित दवा कंपनी ग्लेनमार्क ने भारत में करीब 20 स्थानों पर टीकाकरण और बिना टीकाकरण वाले 306 वयस्कों पर नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे का अध्ययन करने के बाद इस नेजल स्प्रे को फैबी स्प्रे के नाम से लॉन्च किया था। वहीं इसे लेकर अब नई जानकारी सामने आई है। नेजल स्प्रे का कोरोना संक्रमित मरीजों पर देश के 20 अस्पतालों में परीक्षण हुआ। उच्च जोखिम वाले कोरोना रोगियों जिन्होंने नेजल स्प्रे लिया था उनमें 24 घंटे के भीतर वायरल लोड में 94% तक की कमी देखी गई। वित्त वर्ष 2021-2022 और असेसमेंट ईयर 2022-2023 के ITR फाइल करने की अंतिम तारीख करीब आ रही है। आप 31 जुलाई 2022 से पहले यह जरूरी काम निपटा लें। आज हम आपको ITR फाइल करने से होने वाले चार बड़े फायदों के बारे में बताने वाले हैं। इससे लोन लेने में बहुत आसानी होती है, बिजनेस करने, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने और बीमा कवर लेने में आसानी होती है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में भारत के पक्ष में एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रतिनिधि सभा ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दरअसल भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने चीन से भारत की सुरक्षा को खतरा बताते हुए इस एक्ट में संशोधन की मांग की थी, उसे मंजूरी मिल गई है। इस संशोधन के तहत CAATSA कानून के तहत भारत को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव रखा गया था। अभी तक आपने चंद्रयान और मंगलयान के बारे में ही जाना था, लेकिन अब जल्द ही पृथ्वी से बुलेट ट्रेन में सवार होकर इंसान चंद्रमा और मंगल तक जा सकेगा। दरअसल जापान एक महाप्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके तहत जापान धरती से चांद तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रहा है। जापान की योजना पहले इस बुलेट ट्रेन को चंद्रमा तक ले जाने की है। उसकी ये योजना अगर सफल रहती है तो फिर इसे मंगल पर भी ले जाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट को जापान के क्योटो विश्वविद्यालय और निर्माण फर्म काजिमा कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। बैडमिंटन कोर्ट से भारत के लिए एक अच्छी और एक निराशाजनक खबर आई है। इन दिनों भारत समेत दुनिया भर के बड़े शटलर सिंगापुर ओपन में व्यस्त है। टूर्नामेंट के आखिरी चरण के मुकाबले में जारी है, जिसमें शुक्रवार 15 जुलाई को भारत की शीर्ष बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने चीन के खिलाड़ी हान यूई को 3 गेम तक चले बेहद संघर्षपूर्ण और नजदीकी मुकाबले में 17-21, 21-11, 21-19 से हरा दिया। हालांकि दूसरी प्रमुख भारतीय स्टार सायना नेहवाल को जापान की आया ओहोरी ने क्वार्टर फाइनल में हरा दिया। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट पर ब्रेक लग गया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय शेयर बाजार निवेशकों की खरीदारी के चलते शानदार तेजी के साथ बंद हुआ है। आज का कारोबार खत्म होने पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 344 अंकों की तेजी के साथ 53,760 तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंकों की गिरावट के साथ 16,049 अंकों पर बंद हुआ है। निफ्टी के लिए राहत की बात यह है कि इंडेक्स 16,000 के ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को बोर्ड में कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन BCCI की ओर से अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। बोर्ड का कहना है कि दोनों के कार्यकाल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। BCCI की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है कि नियमों में संशोधन को लेकर जो बोर्ड ने याचिका दायर की है उसकी सुनवाई जल्द होनी चाहिए। अडानी ग्रुप की अपने एयरनॉटिकल और नॉन एयरोनॉटिकल टर्मिनल ऑपरेशंस के अलावा देश में अपने एयरपोर्ट्स के साथ साथ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विकसित करने की भी योजना है। ईटी की खबर के मुताबिक अडानी एयरपोर्ट्स ने अपने शहर के विकास पोर्टफोलियो के तहत अपने सभी हवाई अड्डों पर 500 एकड़ से अधिक भूमि पर लगभग 70 मिलियन वर्ग फुट विकसित करने की योजना बनाई है। ये एयरो सिटीज होटल कन्वेंशन सेंटर, रिटेल, एंटरटेनमेंट और हेल्थ सर्विस ऑप्शन, लॉजिस्टिक, कॉमर्शियल ऑफिस और अन्य रियल एस्टेट सेगमेंट का मिशन होंगे। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन और नेशनल क्रश कहलाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा द राइज के नाम बड़ा रिकॉर्ड आया है। यह फिल्म 5 बिलियन व्यूज हासिल करने वाली भारत की पहली एल्बम बनकर सामने आई है। यह पुष्पा के लिए एक और बड़ी जीत है। ऐसे में फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस खुशी को सबके साथ शेयर किया और कैप्शन में लिखा, भारतीय सिनेमा में अब तक का सबसे बड़ा कारनामा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम विराट कोहली के सपोर्ट में आए हैं। अपने बुरे दौर से गुजर रहे विराट कोहली को बाबर आजम ने विराट कोहली को समझाते हुए कहा कि ये दौर भी गुजर जाएगा, वह मजबूत बने रहे। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर कोहली के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि यह बुरा दौर भी गुजर जाएगा, मजबूत बने रहे।
पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो द्वारा आरएसएस की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से किए जाने के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है, तो वहीं आरएसएस वाले बयान पर अब पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो की सफाई भी सामने आई है। एसएसपी ने कहा है कि गुरुवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया था, उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, किसी संगठन की तुलना करने का सवाल ही नहीं उठता है, उनके बयान का गलत अर्थ लगाया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त 2022 के दिन देश को आजाद हुए 75 साल हो जाएंगे। इसको देखते हुए दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रशासन कुल 3,00,000 तिरंगा बांटेगा और उन्हें फहराया जाएगा। इस खास अभियान को लेकर ग्रेटर नोएडा में भी 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बड़ी भूमिका निभाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर यह एडवाइजरी जारी की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान रेडिकल एलिमेंट से खतरे का अंदेशा है, इसलिए राज्य सरकारों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस एडवाइजरी में यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने का निर्देश दिया है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि कांवड़ यात्रा मार्गों की भी 24 घंटे निगरानी की जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मुंबई में महाराष्ट्र निर्माण सेना मनसे चीफ राज ठाकरे से मुलाकात की। राज ठाकरे की आवाज पर यह बैठक करीब 1 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने एकनाथ शिंदे सरकार में एमएनएस को एक मंत्री पद का ऑफर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में मनसे का सिर्फ एक विधायक है, ऐसा माना जा रहा है कि डोंबिवली से विधायक राजू पाटिल को मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल मनसे ने राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में बीजेपी का समर्थन दिया था, उसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में भी समर्थन की बात कही है। देश में 18 साल और उससे अधिक आयु के लोग सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक आज से मुफ्त में लगवा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को निर्माण भवन में टीकाकरण शिविर में कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव की शुरुआत की। शिविर के बाहर कई अधिकारी तथा कर्मचारी बूस्टर डोज लेने के लिए कतारों में खड़े नजर आए। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा में एक भारतीय युवती ने पंजाबी गर्ल के रूप में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया है। वह युवती है हरप्रीत कौर। हरप्रीत पंजाब में धनौला के गांव भटल्ला की रहने वाली है। वह 2 साल पहले कनाडा गई थी, वहां पढ़ाई के दरमियान ही उन्होंने मिस पंजाबन ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। मिस पंजाबन का यह प्रोग्राम AR सैनिक ग्लैमर वर्ल्ड के बैनर तले मिस एंड मिसेस पंजाब कनाडा के शहर टोरंटो में कराया गया था। इंस्टाग्राम ने अब अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया सब्सक्राइबर प्रोग्राम पेश किया है, जहां वह यूजर से क्रिएटर्स द्वारा एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए चार्ज करेगी। इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसरी ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। इस प्रोग्राम के तहत क्रिएटर्स के पास अपने फॉलोअर्स को उनके एक्सक्लूसिव रील्स और प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के लिए भुगतान करने के लिए इन्फ्लुएंस करने का विकल्प देगा। यह भुगतान मासिक आधार पर लिया जाएगा। संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज बिहार दौरे पर हैं। अपने पटना दौरे पर वो महागठबंधन के विधायकों के साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, तो वहीं अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इस दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी नेता भी मौजूद रहेंगे। हालांकि महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का पहले ही ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग यानी कि NIRF रैंकिंग की सूची जारी कर दी है, जिसमें IIT मद्रास ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि IIT बेंगलुरु दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहे। तो वहीं इस सूची में IIT रुड़की भी शामिल है, जिसने 7वां स्थान हासिल किया है, जो कि उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। तो वहीं IIT रुड़की के 175 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे में केंद्र सरकार 175 रुपये का विशेष सिक्का लॉन्च करेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने हमें कमेंट करके अपना जवाब दिया उनके नाम है नूनू कुमार, हेलो टीचिंग ज्ञान, रश्मि सिंह, नीतीश गो, प्रिया यादव ऑफिशियल, मोहम्मद फैजान, अभिष कुमार राज, जितेंद्र कुमार, अमित कुमार पासवान, सिद्धार्थ कुमार, विक्रम प्रकाश, राजेश संथोलिया, जवाहर सिंह, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही कमेंट में अपने जवाब देते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से कारगर कदम उठाए जा रहे हैं या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।